योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा। ओ पिता परमेश्वर, तूने हमारे मांगने से भी बढ़कर दिया, हमारी योग्यता नहीं थी उससे भी तूने बढ़कर दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। हम योग्य नहीं है कि उसकी आशीष को ले सके, हमें योग्यता से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो। हमने जो मांगा था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए, उसके नाम की स्तुति कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें मांगने से भी बढ़कर दिया है। परमेश्वर ने हमारी योग्यता से भी बढ़कर उसने हमें आशीष दी। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाइए। अपने बिजनेस को, अपने कार्य को, अपने जॉब को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मांगने से भी बढ़कर देगा, परमेश्वर आपकी योग्यता से भी बढ़कर देगा। वो उदारता से देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं को सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, तेरे मन की जरूरतों को वो पूरा करेगा। तुझे वो मुंह मांगा वरदान देगा। आपके योग्यता से भी बढ़कर परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जब उससे मांगते हो परमेश्वर से विश्वास से मांगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हो, परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करेगा, परमेश्वर आपके निवेदनों का सम्मान करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करेगा। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो सुनता नहीं, मेरा परमेश्वर अंधा नहीं कि वो नहीं देखता। आपको देखता है, आपकी वो सुनता है, और आपके योग्यता से भी बढ़कर वो देता है, आपके मांगने से भी बढ़कर देता है। आपको मांगना है मेरे प्रियो। भजन संहिता में ऐसा लिखा है तू अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं, और फिर कहते हैं हमें कोई आशीष नहीं मिली, हमें कोई आशीष नहीं मिली, हम तो गरीबी अवस्था में हैं, हम तो ऐसी अवस्था में हैं। मेरे प्रियो, जितने भी आपने अभी तक विश्वास से नहीं मांगा है, आज आप विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपकी योग्यता से भी बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके मांगने से भी बढ़कर देगा। हालेलुया, ये मेरी गारंटी है। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी योग्यता से भी बढ़कर देगा, ये मैं वायदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा खुदा सामर्थ्य है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया,
रबा शंदा रादा दादा नला रबा ला रबा। मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। यदि अभी तक आपने नहीं मांगा, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब मांग। अभी तक तो तूने कुछ भी नहीं मांगा मेरे नाम से, अब तू मांग, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये मैं आपके साथ वायदा करता हूँ। क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर जीवित है, सामर्थ्य है और हर एक वायदों को वो पूरा करता है। ये जमीन उलट पुलट हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे यीशु मसीह का वायदा कभी भी खत्म नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर का वायदा कभी झूठा नहीं हो सकता। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। मेरे खुदा इस समय में हम आपके हाथों में हो जाते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं एक एक को मैं तेरे पवित्र हाथों में दे देता हूँ। पिता परमेश्वर जिस स्थान से जिस जगह से प्रार्थना कर रहे परमेश्वर उन सभी लोगों को तेरे बेटा बेटियों को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपसे कह रहा है अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, अब मांग लीजिए, तो अपने मुंह को पसार मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है तो अपने मुंह को तो पसार, उसको खोल तो सही, मैं उसे भर दूंगा। मेरे प्रियो आज आप अपने मुंह को खोल दीजिए, अपने मुंह को पसारिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया, आपके मांगने से भी ज्यादा देगा, आपकी योग्यता से भी बढ़कर वो देगा। हालेलुया, रबा शंदा रबा नला रबा। मेरे खुदा इस समय में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं हर एक लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे। सबसे पहले पिता परमेश्वर उनके अंदर वो विश्वास आ जाए, पिता परमेश्वर वो विश्वास आ जाए कि एक प्रार्थना करने से उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पिता परमेश्वर इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अपने आप में गरीब कहता है, अपने आप में उस परिस्थिति में ढकेलता है, अपने आप को उस दलदल की कीच में ढकेलता है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके विश्वास को जगाइए। पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को जानने वाले बन जाए, पिता परमेश्वर तू जीवित है, सच्चा है, ये मानने वाले बन जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से उस दलदल की कीच से निकाल, पिता परमेश्वर गरीबी अवस्था से निकाल, यीशु के नाम से उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके मांगने से भी बढ़कर तू उन्हें देगा परमेश्वर, उनकी योग्यता से भी बढ़कर उन्हें तू देगा परमेश्वर, ये भी विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, उनके लिए तू जॉब का प्रबंध कर, उनके लिए तू बिजनेस का प्रबंध कर। पिता परमेश्वर जिन्होंने जो योजना बनाई है परमेश्वर उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए, उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए परमेश्वर। पिता तेरा वचन कहता मैं तेरी सारी योजनाओं को सफल करूंगा, तेरे मन की इच्छा को पूरी करूंगा। हाँ खुदा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनकी गरीबी अवस्था खत्म हो जाए, उनके ऊपर से हर प्रकार का कर्जा खत्म हो जाए, उनके जीवन में से हर प्रकार का श्राप खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उनके लिए तू जॉब और बिजनेस का प्रबंध कीजिए। जितने भी जवान लोग जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, परमेश्वर उनके लिए तू जॉब का प्रबंध कीजिए, यीशु के नाम में उन्हें सिलेक्ट कीजिए। पिता परमेश्वर लोगों में प्रार्थना करना चाहते जो बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहे परमेश्वर उनकी योजनाओं में आप सफल कीजिए। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके मांगने से भी बढ़कर देगा। हालेलुया, मेरे खुदा उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो परमेश्वर जिनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, जिस अवस्था में है परमेश्वर उस अवस्था को बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके अंदर पिता परमेश्वर मिर्गी की बीमारी है, शुगर है, कैंसर है, टीबी है,
पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके शरीर में किडनी स्टोन है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ने चंगाई दीजिए, यीशु के नाम से तू छू लीजिए परमेश्वर, जो माइंड डिस्टर्ब करने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए, लकवा यीशु के नाम से खत्म हो जाए, प्रभु चंगाई दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु चंगाई दे, यीशु के नाम से छुड़ा ले, उन परिस्थितियों से छुड़ा ले, उस बीमारी अवस्था से छुड़ा ले, उनके जीवन में से हर प्रकार का रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा रबा पिता परमेश्वर लोग में प्रार्थना करना चाहते जो बेड से कई सालों से उठ नहीं पा रहे परमेश्वर, उनके टखनों में बल आ जाए, उनके घुटनों में बल आ जाए, उनके शरीर में बल आ जाए और यीशु के नाम से वो खड़े हो जाए, यीशु के नाम से खमा बाबा बाबा रशकना लरतीना लरत बना लरबा। पिता परमेश्वर लोकले में प्रार्थना करना चाहते जिनके पास कोई औलाद नहीं है, पिता परमेश्वर की जरूरतों को पूरा कीजिए, पिता परमेश्वर उनकी मांगी इच्छाएं पूरी कीजिए, उनके मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तू छू ले, तू छू ले, कई बहनों के अंदर पिता परमेश्वर गांठ है, ट्यूब ब्लॉक है, कई भाई बहनों में कमजोरी है, यीशु के नाम से इस प्रकार के रोग खत्म हो जाए, इस प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम में चंगाई दीजिए और पिता परमेश्वर उनके मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए यीशु के नाम से, उनके औलाद उत्पन्न होने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से, अंधकार की शक्ति मिट जाए और परमेश्वर उनके वंश उत्पन्न होने पाए। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो अनाथ और विधवाएं हैं, खुदा पिता परमेश्वर तू उनकी सुधि लेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, उनके मांगने से भी बढ़कर उन्हें देगा, उनकी योग्यता से भी बढ़कर उन्हें देगा परमेश्वर, हम इतना विश्वास करते हैं उनकी मन की इच्छाओं को पूरी करेगा, उनकी सारी योजनाओं को आप सफल करोगे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए यीशु के नाम से, पिता तेरे ही हाथों में सौंप देते उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिनके पैसा किसी ने हड़प लिया है, जमीन को ऊपर कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी जमीन वापस मिल जाए, जिसने भी कब्जा किया उसके माइंड को चेंज कर दीजिए, वो माफी मांग कर परमेश्वर पिता पिता परमेश्वर तेरे लोगों को जमीन देने वाले बन जाए, पैसा देने वाले बन जाए। कई ऐसे भाई बहने हैं जिनको लोगों ने धोखा दिया और पैसा नहीं दे रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दे ताकि वो पैसा लौटाने वाले बन जाए प्रभु, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप दे तो प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु रहम कर, यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप दे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर लोग में प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके पति पत्नी में फूट है, जिनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, वे विचार है, पाप है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर वो अलग अलग है, यीशु के नाम से उनके बीच में से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, हर प्रकार का पाप और अपराध खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तू छू ले और पिता परमेश्वर उनके बीच में प्रेम की संधि आ जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर टूटते हुए परिवार को बचा ले, बिखरते हुए परिवार को बचा ले, अपने परिवार के साथ रहे, बच्चों से प्रेम करने वाले बन जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पिता परमेश्वर जिनके पास कोई अपना खुद का मकान नहीं है, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है परमेश्वर, बेसहारों का सहारा तू ही है खुदा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पिता परमेश्वर एक टाइम का भोजन नसीब नहीं है, पिता परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से वो तेरे राज्य के वारिस होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर तू नियुक्त करेगा परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा पिता परमेश्वर, उनके मांगने से बढ़कर उन्हें देगा परमेश्वर, हम इतना विश्वास करते प्रभु दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे ही हाथों में सौंप देते खमा बाबा बाबा रिकन ल रथिन ल रद रिकन ल रथिन ल रद बन ल रबा। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो कोर्ट के केस में फंसे हैं परमेश्वर, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो जेल में है पिता परमेश्वर, किसी के धोखे खाए हुए हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनको तो छुड़ा ले, छुड़ा ले परमेश्वर, हर प्रकार का केस खत्म हो जाए यीशु के नाम से, जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी धोखा दिया यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दे यीशु के नाम से, हम तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, उनके जाल जो है परमेश्वर फटने पाए और वो छूट जाए परमेश्वर,
यीशु मसीह के नाम से उस जवान को तू छू ले प्रभु, जो पिता परमेश्वर दलदल के कीच में फंसता जा रहा है, पिता परमेश्वर उस बेचैनी में फंसता जा रहा है, उसका तनाव है परमेश्वर पिता, उसके तनाव को दूर कीजिए, उसकी मम्मी के तनाव को दूर कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। ड्यूटी करने के लिए तो शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और पिता परमेश्वर जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया परमेश्वर पिता, वो पैसा लौटाने वाला बन जाए यीशु के नाम से। उस बहन को भी तू छू ले परमेश्वर, जो कोर्ट के केस में फंसी है प्रभु यीशु के नाम से बचा ले। उस बहन को भी तू छू ले परमेश्वर पिता, जिनका पैसा किसी ने हड़पा है। उस भाई को भी छू ले जो पिता परमेश्वर किसी से धोखा खाया हुआ है और परमेश्वर किसी ने उसके पैसे हड़पे हैं परमेश्वर यीशु के नाम से। तू छुड़ा ले परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो ड्रिंक करते हैं परमेश्वर, जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता परमेश्वर उनका ड्रिंक छूट जाए, नशा छूट जाए, पाप अपराध छूट जाए, और पिता परमेश्वर तेरी राहों में चलने वाले बन जाए। से प्रार्थना करता हूं, दया कर प्रभु परमेश्वर। उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो गलत रास्ते में चल रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो सही रास्ते पर आने वाले बन जाए यीशु के नाम से। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, जो शादी ब्याह के लिए हो चुके परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की रुकावटें खत्म हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उनके लिए तू जोड़ा का प्रबंध कर, जीवन साथी का प्रबंध कर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनके लिए तू शादी का प्रबंध कर परमेश्वर, से प्रार्थना करता हूं प्रभु, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से कमजोर है प्रभु, यीशु के नाम से आत्मिकता में आगे बढ़ाइए, तेरे वचन में आगे बढ़ाइए, संगति में आगे बढ़ाइए, प्रेम में आगे बढ़ाइए, और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए यीशु के नाम से। खामा बाबा बारश कनला रथिनला रददनला रबाला रबा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे यीशु के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। इस समय में जितने भी पिता परमेश्वर जिस स्थान से प्रार्थना करें परमेश्वर, देश विदेश से जितने भी लोग प्रार्थना करें, उन्हें अभिषेक से भर, सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए, उनकी मुसीबतों को दूर कीजिए, उनके जीवन में से हर प्रकार की कमी को दूर कीजिए यीशु के नाम से। उन जवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा उनके शरीर को छोड़कर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, अंधकार की शक्ति छोड़कर खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा ला रदा बन बन पिता तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुन लिया, उस परिवार को तू छू ले जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनके ऊपर रहम कीजिए और अंधकार की शक्ति भस्म हो जाए, शैतान की शक्ति भस्म हो जाए यीशु के नाम से। रबा शंदा रदा नला रबा ला रबा रिखा नला रथी नला रदा बनला रबा तू बचा ले प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी मन की इच्छाओं से पूरी करूंगा, तो अपना मुंह बसार में उसे भर दूंगा। मेरे प्रिय आप जितने भी प्रार्थना करें विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी मन की इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस दिन को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, तो हमें संभाल रक्षा कर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके सारी आशीषों के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी आपके हाथों में हो जाते, तेरे दास और दासी को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर, और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर खुदा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे किसान भाइयों को आशीष दे, उनके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, उनके जीवन में से हर प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मेरे प्रियो अपने मुंह को पसार में उसे भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब मांग। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश मेरा फोन स्विच ऑफ आता है या कवरेज एरिया बताता है या मैं फोन कॉल को नहीं उठा पाऊं, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रार्थनाओं का जरूर सम्मान करेंगे। स्वार्थ कलिशिया आपके लिए प्रार्थना करती है। आप विश्वास में बने रहे, प्रभु की महिमा करते रहो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।